हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा, आप सबों का बहुत वेलकम है इस वीडियो में। और आज हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट वन एचसी वर्मा के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू ये यहां पर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंटर देखिए। मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है और उनके आसपास के लॉजिक के बारे में भी डिस्कशन की है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का है, इसमें कहा गया है कि मीटर को हमने डिफाइन किया है 1/299792458, 1/3×10⁸ हमने क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी यहां पर एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। हमने ये किसके हिसाब से डिफाइन किया है? हमने लाइट के द्वारा 1/299792458 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस लाइट ने ट्रेवल की, दैट डिस्टेंस इज डिफाइंड एज 1 मीटर। ये हमने क्यों लिया है? टू टेक केयर ऑफ एक्यूरेसी। तो पुराने जमाने में जैसे 1 मीटर डिफाइंड था, उस 1 मीटर में क्या हो रहा था, किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ को बोल दिया था 1 मीटर। अब लेकिन गर्मी हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके लेंथ में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा। तो उस वेरिएशन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने 1 मीटर को डिफाइन कर दिया लाइट की स्पीड के हिसाब से। अब यहां भी तुम एरर मान लोगे तो क्या फायदा हुआ, तब तो उससे बढ़िया तो वही था ना। बिल्कुल, तो इसीलिए यहां पर हम 1/3×10⁸ नहीं मान सकते। और सेकेंड चीज है, वाई नॉट 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में लाइट कितनी दूर चली जाएगी? 299792458 मीटर, बहुत दूर चली जाएगी लाइट। क्या उतना बड़ा यूनिट हम संभाल पाएंगे? नो, दैट यूनिट वुड बी, दैट इज टू बिग यूनिट, वो हम हैंडल, वो उससे मेजरमेंट करना काफी मुश्किल होगा। ठीक है, सेकंड है डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एच ए, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पूछा जा रहा है। क्यूब ऑफ एच ए भाई वॉल्यूम ही है ना, वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो गए, एल क्यूब, बी स्फीयर की वॉल्यूम, क्वाड्रिलेटरल की वॉल्यूम, पिरामिड की वॉल्यूम, स्क्वायर पिरामिड की वॉल्यूम, स्क्वायर बाई पिरामिड की वॉल्यूम, कुछ भी ले लो, एलिप्सॉइड की वॉल्यूम, पैराबोलॉइड की वॉल्यूम, सारी होगी एल क्यूब। समझ आया? थर्ड नंबर है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। क्यूब की एज ए है और स्फीयर का रेडियस भी ए है, क्या फर्क पड़ता है भाई, दोनों वॉल्यूम है एल क्यूब, रेशियो ले लिया मतलब डायमेंशनलेस। आया तो ये हो गई डायमेंशनलेस। तीसरे नंबर में एक हाइपोथेटिकल केस में दे रखा है कि दुनिया की सारी चीजें रातों रात डबल हो जाएं, तो क्या हम इसे एक मीटर स्टिक से पता कर पाएंगे कि दुनिया की सारी चीजें डबल हो गई, हम भी डबल हो गए, हमारे आसपास की चीजें भी डबल हो गई, मीटर स्केल भी डबल हो गया? तो हम मीटर स्केल से कैसा पता करते हैं कोई चीज कौन सी कितने साइज की है? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है तो मैं मीटर स्केल को रखूंगा ऐसे और चेक करूंगा कि मीटर स्केल के एक एंड के सामने ये होना चाहिए, दूसरे एंड के सामने ये होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए, मीटर स्केल उतना ही बड़ा रहे, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दोगुना हो जाए और मीटर स्केल भी दोगुना हो जाए, प्रॉब्लम तब शुरू होगी। हम मीटर स्केल से पता ही नहीं कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट डबल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मीटर स्केल खुद ही डबल हो चुका है। लेकिन लाइट के हेल्प से हम यहां पता कर सकते हैं कि चीजें डबल हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा एक कांस्टेंट होती है हर केस में। मतलब लाइट को पहले, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है, लाइट की स्पीड मैं सी कहता हूं, तो लाइट को पहले यहां ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता? 1/c। लेकिन अगर ये लेंथ अब बढ़ के 2 मीटर हो गया, तो लाइट को अब कितना टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड जाने में? 2t0, यानी कि 2/c। ठीक है, तो लाइट को ज्यादा टाइम लग गया, तो मतलब मैं कह सकता हूं भाई एक मिनट, लाइट तो मुझे कुछ और बता रहा है। तो लाइट के हिसाब से मेजरमेंट करना ज्यादा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर दुनिया की सारी घड़ियां स्लो हो गई, तब तुम फंस जाएंगे। अगर ये लाइट ने टाइम लिया 2t0, लेकिन हम दुनिया के सारी घड़ी को भी मैंने स्लो कर दिया,
तो ये टाइम कितना हो जाएगा, घट के टी नॉट। दिस इज द इनकरेक्ट मेजरमेंट, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया की सारी घड़ियां स्लो हो चुकी हैं। तो उस केस में हम ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे, हमें मानना पड़ जाएगा कि दुनिया की सारी चीजें सेम डायमेंशन की हैं, क्योंकि ये जो टू टी नॉट है ना, इसे भी हम गलती से टी नॉट ही मेजर करेंगे, जो 1 मीटर के केस में भी आता। ठीक है, तो इस केस में हम पता नहीं कर पाएंगे। ओके, नंबर फोर, इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट, तो क्या सबका सेम डायमेंशन भी होना चाहिए? हाँ, अगर सारे यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, तो क्या सबकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए? नो। अगर सबका डायमेंशन सेम है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन बराबर है लेकिन यूनिट्स अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही फेमस है एनर्जी और टॉर्क, सेम डायमेंशन लेकिन यूनिट दोनों का अलग अलग होता है। जैसे और भी कुछ हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, दोनों टाइम इनवर्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी और स्पीड, यहां भी दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड अलग है वेलोसिटी अलग है, तो इसमें भी डायमेंशन लेकिन सेम होगा दोनों का। ठीक है, तो हमें यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना है। बढ़िया, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, डू दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल कॉन्टेंट? अगर दो क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हुआ, नहीं, हमने ऊपर ही पढ़ा तो कि ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर सिक्स, तो हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट इजीली अवेलेबल हो, इनवेरिएबल हो, इंडिस्ट्रक्टेबल हो और रिप्रोड्यूसेबल हो। तो अगर हमने एक इंसान के पैर को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, तो इनमें से कौन से फीचर होंगे और कौन से नहीं होंगे? तो क्या वो इनवेरिएबल होगा? क्या वो समय के साथ चेंज नहीं करेगा? चेंज तो करेगा। या अलग अलग लोग हैं, उनके पैर का साइज भी अलग अलग होता है, तो इनवेरिएबल तो कहीं से नहीं होना है। इनडिस्ट्रक्टेबल, नो, क्योंकि पैर हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा। किसी के पैर का एक्सीडेंट हो गया, पैर डिस्फिगर हो गया या कोई मर गया, तो ऑब्वियसली दैट फुट विल नॉट रिमेन फॉर एवर, दैट्स द प्रॉब्लम। इजिली अवेलेबल, नो। अगर मैंने कह दिया कि एक इंसान का पैर ऐसा यूनिट है, अब हर जगह जहां जहां मेजरमेंट की जरूरत होगी, क्या वो इंसान वहां पर अवेलेबल रहेगा? नो, दैट पर्सन विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया के सारे लोग अगर अपने पैर को ऐसा यूनिट मानने लग जाए तो उनका पैर उनके साथ रहेगा, तो परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक इंसान के पैर को हमने ऐसा यूनिट बोला, तब तो गड़बड़ है। एंड फाइनली इजिली रिप्रोड्यूसेबल, क्या हम इसे इजिली दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें भी यहां पर परेशानी है, कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, क्या उस टाइप के कन्वर्जन हम यहां पर आराम से कर सकते हैं? नो, राइट, क्योंकि मान लो कहीं पे एक मेजरमेंट हुई 6.5 फीट, तो 0.5 क्या होगा वो तो डिफाइंड नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, तो एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आएगी। ओके, मतलब यहां पर अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट हो तब तो हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके, ऐसे करके। लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन में आ जाए तो वहां पर कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। ओके, तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी। अवेलेबिलिटी, बहुत जगह मैंने देखा है कि लोगों ने कहा है कि हाँ अवेलेबल होगा, लेकिन अगर किसी एक इंसान के पैर को हमने ऐसा यूनिट मान लिया तो वो इंसान हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, राइट। सजेस्ट अ वे टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, तो ये तो सबने किया होगा, बुक की पूरी थिकनेस मेजर कर लो और जो भी थिकनेस आ रही है इसे नंबर ऑफ पेजेस से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें एक पेज की थिकनेस मिल जाएगी। या फिर अगर थिकनेस हमें एक ही पेज की कैलकुलेट करनी है, तो फिर तब तो स्क्रू गेज लेके आना पड़ेगा, राइट। और बी नंबर, सन और मून के बीच का डिस्टेंस। अब देखो, सन और मून के बीच का डिस्टेंस फिक्स तो नहीं होता, ये तो हमें पता है, क्योंकि अर्थ अगर यहां पे, तो मून की लोकेशन चेंज होती रहेगी, और सन अगर यहां पे,
तो लोकेशन अलग अलग हो सकती है। तो इसमें एक तो तरीका होता है ये पता करने का कि सन से रे ऑफ लाइट को आने में अर्थ पर कितना टाइम लगता है, लगभग 500 सेकेंड, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, और मून लाइट को अर्थ पे आने में लगभग 1.33 सेकेंड्स। तो इनको यूज करके हम पता कर सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच का क्या डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच का क्या डिस्टेंस है। और अगर मैंने कहा कि मून यहां पर है तो मैं दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर दूंगा, अगर मून की लोकेशन ये है तो मैं दोनों डिस्टेंसेस को प्लस कर दूंगा। एवरेज अगर मुझे चाहिए तो अगर मून इस सर्कल पे मूव कर रहा है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा अर्थ की लोकेशन पे। एवरेज सेपरेशन तो अर्थ और जो सन के बीच का है एवरेज सेपरेशन वही रहेगा। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली सेपरेशन बताना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि मून कहां पर है। बढ़िया, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव वन। तो पूछा गया कि इनमें से कौन से सेट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बन सकती। तो इसका आंसर है लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। यहां पर लेंथ और टाइम और वेलोसिटी आपस में रिलेटेड हैं। लेंथ और टाइम को मैं डिवाइड कर दूं, मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब दीज कैन नॉट बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है? नंबर टू, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनयू, एन इज द नंबर एंड यू इज द यूनिट। ठीक है, तो पूछा गया कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहां 1 मीटर लिखा, मैंने इसी को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये तो एक ही फिजिकल मतलब एक ही मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब मैंने इसे अगर 100 टाइम्स कर दिया तो ये 1/100 टाइम्स खुद ही हो गया ना। इस यूनिट को तुम जितने टाइम्स करोगे ये नंबर 1/उतने टाइम्स से चेंज करेगा, सो दैट ये जो प्रोडक्ट है दिस शुड बी कॉन्स्टेंट, मतलब एन शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नंबर थ्री, सपोज अ क्वांटिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी। तो अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि एक्स की वैल्यू हो गई एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, तो फिर मास को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंपल सी बात है, मास की वैल्यू होनी चाहिए एक्स टू द पावर 1/a, एल टू द पावर b/a, टी टू द पावर c/a। लेकिन a डिनोमिनेटर में है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स जब a की वैल्यू 0 ना हो। मेक सेंस? अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या उसकी यूनिट कभी नहीं होती? होती है। अगर मैं बात करूं एंगुलर एंगल की, तो एंगल का यूनिट हम देते हैं ना रेडियन, तो यूनिट होती है, तो इसको कहेंगे मे हैव अ यूनिट। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें वो भी डायमेंशनलेस है लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो यहां पर मे लगाना सही रहेगा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्लियर? अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट ही ना हो, जिसका यूनिट नहीं उसका भगवान भी नहीं, मतलब उसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा। ऑलवेज नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन इसका नहीं हो सकता, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नंबर सिक्स, इसे प्रॉपरली सॉल्व करें तो ये एक इंटीग्रेशन है, लेकिन हम यहां पर थोड़ी बुद्धि लगा सकते हैं और डायमेंशन के हेल्प से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बुक ने भी एक छोटा सा हिंट यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2ax-x2। 2ax को और एक्स स्क्वायर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम होना चाहिए, एक्स एक्स तो है ही, मतलब ए का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन दोनों बराबर है। ठीक है, ऊपर है dx, dx इज स्मॉल चेंज इन x, लेकिन फिर भी तो x ही रहेगा ना। ऊपर हो गया मान लो x, नीचे का डायमेंशन x स्क्वायर का रूट, मतलब नीचे भी x, तो x और x अगर चला गया
तो ये डायमेंशन लेस बच गया, मतलब LHS इज डायमेंशन लेस, तो RHS भी होना चाहिए डायमेंशन लेस। साइन इनवर्स का आउटपुट तो हमने पढ़ा है, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस। इसे भी डायमेंशन लेस होने के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। अगर एन की वैल्यू नॉन जीरो हुई तो RHS का डायमेंशन आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो एन की वैल्यू यहां पे होनी चाहिए जीरो, सन्नाटा। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव टू पे। ऑब्जेक्टिव टू ने यहां पर कहा है, द डायमेंशन ऑफ एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस टू मे करस्पॉन्ड टू, इज इट वर्क डन बाय फोर्स? नो, वर्क इज एम एल टी टू द पावर माइनस टू। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होती है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क तो ये नहीं है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है एम एल टी माइनस वन, तो ये मुझे लीनियर मोमेंटम भी नहीं दिख रहा है। प्रेशर, प्रेशर है फोर्स बाय एरिया, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया हो गया एल स्क्वायर। ये मुझे दिख रहा है एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस टू, तो प्रेशर यहां पर चलेगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी तो वर्क के जैसा हो गया, मतलब मैं इसे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख सकता हूँ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मैं इसे एल क्यूब से डिवाइड भी कर दूंगा, तो ऊपर एल टू द पावर माइनस वन चला जाएगा, मतलब ये भी एक पॉसिबल आंसर है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा? मुझे सारी चीजों का डायमेंशन निकालना पड़ा और फिर उसे कंपेयर करना पड़ा कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये था नंबर वन। नंबर टू, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, क्या एक डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है? कभी नहीं। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या इनकरेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। टी इज इक्वल टू थ्री पाई रूट ओवर एल बाई जी, कौन से डायमेंशन की मजाल है जो इसे गलत प्रूव कर दे? कोई डायमेंशन इसे गलत प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है ये इक्वेशन गलत है। मतलब एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट भी हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ओके, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, जो इक्वेशन डायमेंशन से सही है क्या वो सही हो सकता है? हाँ, डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, नो प्रॉब्लम। और ऑप्शन डी है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, यस वो तो इनकरेक्ट होगा ही जो डायमेंशन इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर आर ए बी एंड डी। नंबर थ्री, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ ऑल द बेस क्वांटिटीज। बिल्कुल, जितनी सारी क्वांटिटीज हैं उन्हें हम बेस क्वांटिटीज की हेल्प से आराम से डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस दिस इज करेक्ट। अब बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, मतलब मैं लेंथ को टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, मोल का कोई भी रिलेशन ल्यूमिनस इंटेंसिटी से नहीं होगा, मतलब जितनी भी सारी सात बेस क्वांटिटीज हैं उनका एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी, ये भी मुझे सही लग रहा है। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल, क्या मैं मास को लेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। तो मास का डायमेंशन लेंथ पे जीरो रहेगा, टेम्परेचर पे जीरो रहेगा, करंट पे जीरो रहेगा, एंड सो ऑन, राइट? तो डायमेंशन क्या होता है? इस क्वांटिटी पे जो पावर चढ़ा हुआ है हम इसे डायमेंशन बोलते हैं। तो ये सारी केसेस में पावर तो जीरो रहेगा ना, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट। और द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या किसी बेस क्वांटिटी में डायमेंशन जीरो नहीं होगा? आराम से हो सकता है। अगर मैं बात करूं फोर्स का डायमेंशन, तो ये होता है एम एल टी माइनस टू, लेकिन ये करंट पे भी पावर जीरो होता है, मोल पे भी पावर जीरो होता है, एंड सो ऑन।
बिल्कुल, किसी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन बेस क्वांटिटीज में जीरो हो सकता है। क्लियर? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, और आप इस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर और भी सारे चैप्टर्स की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, तो आप उन उनमें ऐसे ही एक इलाबोरेट डिस्कशन मैंने किया है, तो आई एम वेरी श्योर कि वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारी और भी सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जितने सारे लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा मोटिवेशन और एनर्जी मुझे मिलेगी आगे वाली वीडियोस को बनाने के लिए। ऑलराइट, आई होप मेरा एफर्ट आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टाइप की वीडियोस चाहिए, सो दैट मुझे पता लगता रहे और आपके साइड से फीडबैक मिलती रहे, तब मैं वैसी वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।